नमस्कार। सनी देओल का ये डायलॉग आपने सुना, जिसे सुनते ही एक अजीब सी सिहरन हो जाती है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इस तरह के डायलॉग को सुनकर आदमी ही नहीं खूंखार जानवर भी घबरा जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कई क्षेत्र, चंदक, छाछरी मोड़, बढ़ापुर, नगीना और चांदपुर में गुलदार की ऐसी दहशत फैली हुई है कि ग्रामीण शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं। यदि कोई गलती से बाहर रह जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही सलामत घर वापस पहुंच जाएगा। ग्रामीणों की शिकायत पर वन कर्मी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गुलदार इतना चालाक है कि वो किसी भी झांसे में नहीं आ रहा है। इसके बाद ग्रामीणों ने एक नया और नायाब तरीका निकाला, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और वो तरीका है, अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी। आप सही समझे, खेतों में, बागों में सनी देओल की फिल्मों का ये डायलॉग जोर जोर से बजाया जाने लगा। ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों की माने तो इससे बड़े आश्चर्यजनक परिणाम सामने आने लगे और गुलदार ने डर की वजह से वहां आना बंद कर दिया। वन्य जीव विशेषज्ञ जेएल लायल कहते हैं कि रात के समय गुलदार से अधिक खतरनाक जीव दूसरा कोई नहीं होता है। ये कहीं से भी हमला कर सकता है। पेड़ पर आसानी से चढ़ जाने की वजह से ये और भी खतरनाक हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को चाहिए कि वो समूह में निकलें, और यदि रात में अकेले निकल रहे हैं तो मोबाइल पर तेज आवाज़ में किसी भी फिल्म का डायलॉग लगाकर और मोबाइल का फ्लैश ऑन करके ही निकलें। उनकी इस बात की पुष्टि डॉक्टर अनिल पटेल भी करते हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जब मोबाइल पर आप कोई फिल्म देखते हैं या कोई डायलॉग सुनते हैं तो गुलदार को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग एक साथ समूह में जमा हैं और वो डर के मारे भाग जाता है वहाँ से। बहरहाल अब ग्रामीणों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है और वो पहले की अपेक्षा काफ़ी सुरक्षित है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।